नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र के धुले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। मुंबई आगरा हाईवे पर ब्रेक फेल होने की वजह से एक कंटेनर होटल में जा घुसा। हादसे में 38 लोग कंटेनर की चपेट में आ गए। इनमें 10 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हैं। दुर्घटना शीरपुर तालुका के पलासने गांव में दोपहर करीब 12 बजे हुई। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कंटेनर अपने आगे चल रही एक कार को रोंदता हुआ सड़क किनारे एक होटल में घुस जाता है। घटना के दौरान का एक वीडियो डरावना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे से पहले मुंबई आगरा हाईवे पर दूसरा कंटेनर बाएं दिशा में धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। सड़क के किनारे एक और ट्रक खड़ा है। एक कार इन दोनों को क्रॉस करने ही वाली थी कि बेकाबू कंटेनर पीछे से कार को टक्कर मारता है, फिर होटल में घुसता है। पहले तो कार के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो सड़क पर 200 मीटर घिसटती हुई सामने एक डिवाइडर से टकरा कर करीब 5 फीट तक हवा में उछल जाती है। इसके बाद ट्रक सड़क किनारे लगे एक होटल में जाकर लोगों को कुचलते हुए पलट जाता है। घटना के दौरान होटल में भीड़ थी, इस वजह से जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ है। हादसे के बाद सड़क के किनारे मृतकों और घायलों की कतार लग गई। कई लोगों का शरीर का हिस्सा अलग थलग पड़ा हुआ था। घायल घंटों सड़क पर तड़पते नजर आए। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के दौरान कंटेनर की रफ्तार करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कंटेनर पर गिट्टी लदा हुआ था। लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया और कंटेनर को क्रेन के जरिए हटाया गया। हादसे में होटल पूरी तरह तबाह हो गई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।